हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स आज हम बेसिक मैथ्स का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं दो हम कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगारिदम आज हम बात करेंगे कैलकुलस की कैलकुलस अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथ्स का या मैं बात करूँ तो पूरी इलेवेंथ ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में आपको कैलकुलस की बड़ा आ, काम आने वाला है अब कैलकुलस ऐसी चीज़ है जो टेंथ तक हम नहीं पढ़ते हैं इलेवेंथ में ही हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो तो प्रॉपरली इसे मैथ्स में पढ़ते हैं बट नीट वाले बच्चों को ये सिर्फ फिज़िक्स में ही काम आता है तो फिज़िक्स में इसलिए बेसिक मैथ्स में हम इसे बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं ठीक है कैलकुलस आपको बेसिक uh, मैथ्स की इम्पोर्टेंस में थोड़ा सा अगर बात करूँ तो वो कुछ ऐसी चीज़ है जैसे फिजिक्स uh, आपको समझ आई वो एक अलग चीज़ है लेकिन अगर आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है वहां पे आपको कैलकुलस भी मैथ्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी भी काफ़ी बार बात करनी पड़ती है तो ज़रा देखते हैं क्या है कैलकुलस में सबसे पहले हम बात करेंगे एक फंक्शन की डिफाइन करेंगे एक फंक्शन को तो फंक्शन क्या है क्वान्टिटी वाई इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स इफ देर एग्जिस्ट अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू ऑफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स जैसे ये मेरे पास वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स क्यों एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो वाई मुझे मिलेगा टू एक्स की वैल्यू वन डालूंगा तो y मिलेगा फाइव तो वाई इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स इफ़ देर एग्जिस्ट अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की हर एक वैल्यू पर वाई की एक डेफिनेट वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो यहाँ पर मैं बोलूँगा वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अभी फंक्शन कैसा भी हो सकता है दिस इज अ वन डिग्री फंक्शन दिस इज अ टू डिग्री फंक्शन कई सारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस पॉसिबल हैं इसका जनरल रिप्रजेंटेशन कैसे होता है मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिस इज कॉल्ड एस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो जब भी हम बोल रहे हैं वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स तो हम इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ठीक अब कैलकुलस के दो बेसिक पार्ट्स हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तो पहले हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन वैसे नया है अगर कुछ लोगों को आइडिया भी है तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंशिएशन कर तो रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या है तो पहले थोड़ा सा उस पर बात करेंगे फिर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन करना कैसे है तो डिफ्रेंशियशन क्यों किया जा रहा है क्या है वो देखते हैं डिफ्रेंशियशन में वी ट्राई टू एनालाइज द चेंज इन अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी फॉर एग्जांपल क्या है uh, मेरे को say, से ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स लेट से डीज आर टू सिटीज ए से बी सिटी जाने में मुझे थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स ट्रेवल करना है टाइम मुझे इस पूरी जर्नी में लगा थ्री आवर्स तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एक बड़ी ही बेसिक सी क्वांटिटी है आप लोग नाइन टेन तक काफ़ी इसकी बात कर चुके हैं तो एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन यहां से मुझे एवरेज स्पीड मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने 300 हंड्रेड किलोमीटर्स टोटल टाइम कितना लगा थ्री आवर्स तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आई हंड्रेड किलोमीटर्स पर आ ये एवरेज स्पीड की बात आपने जनरली भी कभी की होगी अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो जी मैंने इतना किलोमीटर डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल किया तो उसके अकॉर्डिंगली आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं अब ये एवरेज स्पीड क्या बता रही है दिस एवरेज स्पीड इज शोइंग कि जब मैंने पॉइंट ए से अपनी कार स्टार्ट की तो राइट फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट मेरी स्पीड थी हंड्रेड किलोमीटर पर आर कहीं भी ना मैंने ब्रेक लगाए ना मैंने स्पीड ज्यादा की ना कम की मैं 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला और पॉइंट बी तक पहुंच गया इज प्रैक्टिकली सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में कहीं ब्रेक ना लगाएं रास्ते में कहीं रेड लाइट भी आई होगी ट्रैफिक भी होगा तो आपने स्पीड कम भी की होगी और कहीं पे रोड खाली होगा तो आपने स्पीड ज्यादा भी की होगी ठीक है तो पूरे टाइम हंड्रेड किलोमीटर पर आर की स्पीड बनी रहे ऐसा जरूरी नहीं है अब अगर उसके बदले कोई मुझे बोले कि बीच के किसी 30 मिनट के इंटरवल में मेरी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर तो वो सेंसेबल लगता है कि भाई आप थ्री आवर्स के लिए बताएं उससे तो बीच में एक 30 मिनट का ऐसा पीरियड आया जब स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी तो वो फिजिबल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई कभी कम थी तो स्पीड कभी 110 भी रही होगी तो एवरेज दोनों का मिला के 100 आ गया वो कोई इशू नहीं है ठीक है फिर मुझे कोई बोलता है कि फाइव मिनट के इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड थी एट्टी नाइन किलोमीटर्स पर आवर ये भी समझ आता है कि भाई फाइव मिनट के लिए एट्टी नाइन किलोमीटर पर आर की स्पीड हो सकती है फिर अगर किसी वन सेकेंड के लिए कोई बोले कि भाई बीच में एक वन सेकेंड ऐसा था जब आपकी स्पीड एट्टी नाइन पॉइंट टू किलोमीटर पर आर थी तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट डेटा है तो आप अगर ध्यान से देखें तो जब मैं थ्री आवर्स के इंटरवल की बात कर रहा था तो एक हंड्रेड किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड तो मेरी आई बट दिस वॉज नॉट एन एक्यूरेट डेटा हमेशा 100 की स्पीड से चलूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है जबकि 30 मिनट के लिए अगर 90 किलोमीटर की पर आर की स्पीड है तो वो इससे तो ज़्यादा अच्छा डेटा है बेटर डेटा है एक्यूरेट डेटा हो सकता है वहीं अगर आप 5 मिनट के लिए बात करेंगे तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट है और आप टाइम इंटरवल कम कर लो वन सेकेंड के लिए बात करो तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई नाइन्टी यही स्पीड होगी इसमें वेरिएशन की कोई चांसेज नहीं है फिर पॉइंट जीरो वन सेकेंड के लिए कोई बोले तो वहां तो एट्टी नाइन पॉइंट वन एट किलोमीटर पर आर जी हंड्रेड परसेंट यही स्पीड होगी उसमें वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है तो हो क्या रहा है हम स्पीड की जब बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस का वेरिएशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल कम करता जा रहा हूं थ्री आवर थर्टी मिनट फाइव मिनट वन सेकेंड पॉइंट जीरो वन सेकेंड तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल कम करता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरी जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो एक्यूरेट वैल्यू मिलती जा रही है तो यहां से इंपॉर्टेंस समझ आई कि अगर मैं बहुत छोटे इंटरवल में चेंज अगर देखता हूं तो वहां से जो मुझे डेटा मिलता है वो बड़ा ही एक्यूरेट डेटा मिलता है बस वहीं से बात आई चेंज की और डिफ्रेंशिएशन की तो इतना हमें समझ आया कि जब भी हम एवरेज लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी दिस डेल्टा शोज लार्ज इंटरवल अगर आप लार्ज इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं तो उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं अगर बहुत छोटे इंटरवल के लिए बात करते हैं तो उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी विल बिकम डी एक्स बाय डी टी ठीक है तो हेयर डी टी इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो भी बहुत छोटा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे स्पीड मिलेगी जो मुझे सामने वाली क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी वेरी एक्यूरेट तो अगर आपको एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए तो आपको बहुत छोटे टाइम इंटरवल में चेंज uh, देखना पड़ेगा या फिर बहुत छोटा चेंज के रिस्पेक्ट में आपको बात करनी पड़ेगी तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं हेयर वी ट्राई टू एनालाइज दी चेंज इन अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन अ क्वांटिटी तो बहुत स्मॉल चेंज के लिए आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से फंक्शन वेरी कर रहा है अब यहाँ पे मैं दो चीज़ों की बात कर सकता हूँ एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का कुछ ग्राफ है जिसमें ए और बी टू पॉइंट्स हैं एक्स और वाई एक्स पर मैंने ग्राफ बनाया है ये कॉर्डिनेट है एक्स वन दिस इज वाई वन एक्स टू एंड वाई टू अब अगर मुझे ए से बी तक के चेंज की बात करनी है तो चेंज हम कैसे देखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जैसे यहाँ पे देखा था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तो यहाँ पे आप जब चेंज देखोगे तो चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा वाई मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ ये मेरे पास डेल्टा वाई आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन ये आ जाएगा डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है यहाँ से मैं इसको निकाल कैसे सकता हूँ कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ अगर मैं इस ट्रा को ध्यान से देखूँ तो अगर ये एंगल थीटा है मेरे पास तो टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा और इसको मैं क्या बोलूँगा स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी कॉर्ड ए बी के स्लोप को मैं बोलूँगा टेन थीटा और वो मुझे क्या देगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की अब जरा देखें है क्या अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज में मैं ये डेल्टा एक्स वाला इंटरवल कम करता जाऊँ मतलब ए और बी पॉइंट अभी इतना दूर है तो मेरी कॉर्ड ऐसी है अगर मैं थोड़ा सा पास ले लूँ तो कॉर्ड ऐसी जाएगी और पास ले लूँ तो कॉर्ड ऐसी जाएगी ऐसे धीरे धीरे करते करते अगर मैं इंटरवल रिड्यूस करता जाऊँ तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा एक पॉइंट पे टेंजेंट तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए या बहुत छोटे चेंज इन एक्स के लिए अगर मैं देखता हूं तो दिस लाइन विल बी अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो क्योंकि बहुत बड़ा चेंज नहीं है तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली एक इंस्टेंट बोल सकते हैं तो ये मेरे पास हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको कैसे मिलेगा अगेन मैं यहाँ पे थीटा देखूंगा तो वो क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स तो सेम ही ग्राफ है ऊपर और नीचे लेकिन आप एवरेज देख रहे हैं तो दो दूर दूर वाली क्वांटिटीज का चेंज देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोलेंगे बहुत छोटा सा इंटरवल है ये लेकिन इस पर अगर मैं कॉर्ड बनाने जाऊँगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली टेंजेंट जैसा ही बनेगा ठीक है तो ये हो गया आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यही हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स हम अभी भी थोड़ी देर पहले देख के आए थे कि वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी है उसको आप स्मॉल चेंज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सो so, फाइनली हम डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा फ़ील समझ आई हमें कि क्या है डिफरेंशिएशन हम चेंज की बात कर रहे हैं बहुत स्मॉल चेंज इन इंटरवल के लिए हम Uh, बात कर रहे हैं कि फंक्शन चेंज किस तरीके से होगा सो फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेरेवेटिव ऑफ फंक्शन शोज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल x एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी वाई बाई डी एक्स तो ये आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग है अब अगर मुझे कोई फंक्शन ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू इस तरीके के फंक्शन को अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो दिस इज अ प्योरली मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले और कुछ रूल्स सीखने की ज़रूरत है वो एक बार सीख लेंगे तो हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली कर पाएंगे तो अगर मुझे ग्राफ दे दिया तो वहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल निकालना है तो क्या करूँगा टेंशन ड्रॉ करूँगा फंक्शन दे दिया तो डिफरेंशियल कैसे निकालना है उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए फॉर्मूले किस तरीके से हैं कुछ इस तरीके से हैं जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस कुछ रूल्स आएंगे हमारे पास जैसे अगर y इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी y अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल dy वाई बाई डी एक्स हर बार होगा जीरो कॉन्स्टेंट जैसे टू है पाए है इनका डिफरेंशियल आपको ज़ीरो मिलेगा हमेशा इसके बाद ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है कि y एज इक्वल टू एक्स टू दावर एन है तो उसका जो डिफरेंशियल होता है दैट इज एन एक्स टू दावर एन माइनस वन दिस इज सिंपली अ फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू दी पावर एन इसको आप डिफ्रेंशियट करोगे तो आपके पास बनेगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन साथ में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी इसकी पावर है वो बाहर आ जाएगी टू एक्स टू दावर एन माइनस वन टू माइनस वन तो दिस विल बिकम टू एक्स नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एक बार आप लोग अपने आप से ट्राई करें स्क्रीन पॉज करके फिर हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं ठीक है चलिए देखते हैं सोल्यूशन में क्या करना है एक्स टू दी पावर फाइव में क्या हो जाएगा इसकी जो भी पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स टू दावर फाइव माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू फोर एक्स की पावर वन बाई टू है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वन बाई टू बाहर आ जाएगा पावर में क्या आएगा एक्स टू दावर वन बाय टू माइनस वन दैट विल बी माइनस वन बाय टू तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं वन बाय टू रूट एक्स ठीक है, एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू है तो माइनस थ्री बाई टू बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की पावर में क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू ठीक है इस तरीके से कुछ हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स टू दी पावर एन को ठीक है इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशियल हमें याद होने चाहिए y एज़ इक्वल टू e टू दी पावर x है तो उसका डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता y एज इक्वल टू एल एन है तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपके पास 1 by x साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x cos x का डिफरेंशियल होता है minus साइन x ध्यान रखिएगा sin इंपॉर्टेंट है cos x का डिफरेंशियल होता है minus साइन x tan x का डिफरेंशियल होता है सेक्सक्वायर x

डिफरेंशिएशन की बेसिक क्वांटिटीज हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है और ये कुछ आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो है एक्स टू दी पावर एन का हमने देखा ई टू दी पावर एक्स एल एन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स इनके डिफरेंशियल हमें लर्न करने पड़ेंगे ताकि हमें जब भी ये फंक्शन में देखने को मिलते हैं हम इन्हें डिफरेंशिएट कर पाएँ ठीक है आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रूल्स देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में किस तरीके से अप्लाई करना है ठीक है तब तो तक तो के लिए थैंक यू आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको अगर इससे कुछ हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल थैंक यू